वहीं आज लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। इस दौरान पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि अब ये ट्रेंड आ रहा है कि पूरे देश भर में बीजेपी की 220 से कम सीटें आएंगी की हरियाणा, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश में, झारखंड, राजस्थान में सीटें कम हो रही हैं। इसी के तहत इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। केजरीवाल ने अपील करते हुए कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील करूंगा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। वही अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि केजरीवाल जी ने महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। चार चरणों में भाजपा चारों खाने चित हो चुकी है। 400 पार का नारा भाजपा दे रही है। भाजपा 143 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। वही 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। रोटी, कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। बाबा साहब का संविधान में अधिकार और न्याय दिलाता है। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, तीन चार दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही है, झारखंड में इनकी कम हो रही है, राजस्थान, जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहां पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहां से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। जो देश का माहौल है और चार चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है चार चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पर सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे, यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है।